कांगड़ा जिला के बोह में आए भूस्खलन हादसे के दौरान अपने माता पिता को नई जिंदगी देने वाली 7 वर्षीय वंशिका सकुशल अपने नानी के घर है। वंशिका मलबे में दबे होने के बावजूद न केवल अपने माता पिता को हौसला देती रही बल्कि उन्हें नया जीवन भी दिया। बीते सोमवार को कांगड़ा जिला के धर्मशाला में आए जलजले के चलते शाहपुर के बोह में आए भूस्खलन हादसे के दौरान अपने माता पिता को नई जिंदगी देने वाली 7 वर्षीय वंशिका सकुशल अपने नानी के घर पर है। वंशिका हादसे के दौरान अपने पिता व माता के साथ मलबे में दबे घर पर थी। वंशिका मलबे में दबे होने के बावजूद न केवल अपने माता पिता को हौसला देती रही बल्कि उन्हें नया जीवन भी दिया। वंशिका ने हिम्मत दिखाते हुए एक के बाद एक 10 फोन कर लोगों को अपने व अपने परिजनों के दबे होने की बात कह सहायता मांगी। अंत में उन्होंने अपने अध्यापक सुरेंद्र को फोन किया और उसके बाद लोग उनकी मदद के लिए घटनास्थल पर दौड़े चले आए। लोगों ने 4 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद लेंटर तोड़कर वंशिका, उनकी माता और उनके पिता को जीवित बाहर निकाला। हालांकि इस दौरान उनकी 1.5 साल की छोटी बहन को जीवित नहीं निकाला जा सका। वंशिका के पिता विजय की माने तो वे रुलेहड़ में अपनी पत्नी व 2 बच्चियों के साथ किराए पर रह रहे थे। वे बोह में ही एक निजी विद्युत प्रोजेक्ट में कार्य करते हैं। घटना वाले दिन वे छुट्टी पर थे और घर के बरामदे में खड़े थे। ऊपर से एकदम मलबा आता देख वे अपनी बच्चियों व पत्नी को बचाने कमरे की तरफ दौड़े लेकिन चंद सेकंड में ही वे मलबे में दफन हो गए। उन्होंने बताया कि उनका मुंह और एक हाथ मलबे के बाहर रहा जबकि बाकी का शरीर मिट्टी में फंस गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक समय तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें मौत दे दे लेकिन तभी उन्हें वंशिका की आवाज सुनाई दी। वंशिका उन्हें व पत्नी को हौसला देती रही। वंशिका व पत्नी की बातें सुन उन्हें जीने की एक बार फिर ललक जागी। उन्होंने कहा कि वंशिका ने इस दौरान कई लोगों को फोन किए और बाद में उन्हें निकालने का कार्य शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी एक बच्ची नहीं बच पाई जिनका दुख उन्हें हमेशा रहेगा। हाइड्रो प्रोजेक्टर लेंको में काम करते हैं। लेंको में काम करते हैं? हाँ जी। कहाँ करते हैं? यहीं करते हैं? बो में सर। बो में करते हैं? हाँ जी। उस दिन आप ड्यूटी पे नहीं थे, वहीं पे रेस्ट थे सर, छुट्टी पे थे। छुट्टी पे आए हुए थे। तो ये जो घटना घटित हुई थी उस वक्त आप कहाँ थे? घर के बाहर थे, घर के अंदर थे, क्या स्थिति थी? सर घर के बाहर था पहले ना, उसके बाद फिर जो मलबा आ गया ऊपर तो मैं अंदर की तरफ भागा बच्चे निकालने के लिए। बस मैं बच्चों तक नहीं पहुंच पाया था सर, बस घर के बरामदे तक पहुंचा था, फिर उसकी स्पीड में आ गया था। कितने घंटे आप वहीं पे रहे मलबे के अंदर? कम से कम 6 घंटे सर। 6 घंटे? किसने बचाया फिर आपको? सर स्थानीय लोग थे, लोकल लोग थे, स्थानीय। वंशिका की माता ने कहा कि उनकी टांग किसी चीज से दब गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जीने की आस ही छोड़ दी थी। अगर वंशिका उन्हें हिम्मत नहीं देती तो शायद कोई भी बच नहीं पाता। उन्होंने कहा कि वंशिका अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्हें और उनके पति को हिम्मत देती रही और उसकी ही बदौलत वे आज जिंदा है। इस वक्त 2 बेटियां मेरी, एक सो रही थी, एक फोन देख रही थी अंदर, और मेरे हस्बैंड बाहर थी नाले में पानी देख रहे थे, उसको बना रही थी उसकी जगह। मैंने उसको बुलाने गई कि इधर आ जाओ, पानी आ रहा है ऊपर से जा रहा है। मैं देखने गई तो ऊपर से बादल फट गया। भाग के अंदर आए, अपने बच्चे को उठाने तो नहीं बचा सकी, वहीं दब गए हम। कितने घंटे आप अंदर ही रहे? 7-8 घंटे अंदर रहे। क्या जान कैसे बची, कैसे क्या? पता नहीं, भगवान की दया से जान बच गई। एक हमारा बच्चा था, उसने बचाई हमें, अभी तक रखी सुने। क्या नाम है उनका? वंशिका। अच्छा, वंशिका ने आप फोन किया था उनको? वंशिका बोली, मम्मा मेरे सर को फोन करो, उनको बोलो कि हमें बचा लो। उनको फोन किया तो वो बेचारे आ गए थे, बेचारे बोले मेरे हाथ थे तो हम आज जिंदा नहीं होते। वंशिका की नानी ने बताया कि वंशिका ठीक है और उनके घर पर है। उन्होंने कहा कि वंशिका बेटी पर आज हर किसी को गर्व है। मेरे घर पहुंची कर जोर से जफी मारी, बोले माँ तू, बोले हमको किसने बचाया? वो माता मारी, वो माता आई थी बोले हमारे घर में, उसने बचाया बोले हमको। और मैं तो वाजे दे रही थी पापा को, मम्मी को, मम्मी हार गई थी, पापा भी हार गए थे, मेरे को कुछ डर नहीं लगा था, मैं नहीं आ रही थी। मैं तो आज दे रही थी पापा को भी, मम्मी को भी, सोना मत सारा आ रहे हैं हमारे।
सर आ रहे हैं। मैंने माती माती कहती है ना मेरे को, बोले माती 10 फ़ोन किए मैंने। मैं कह आपकी गिनती कैसे? मैंने देख लिए थे पापा के फ़ोन में जिन जिन दोस्तों के नंबर आए थे पापा के दोस्त के, उनसे सबको फ़ोन किया था, सर जी हमें बचाओ बचाओ, हम फंस गए, हमारा मकान गिर गया ऊपर, हमें बचाओ बचाओ। फिर आगे वो आवाज़ झूठी आवाज़ मारती उसने कि मम्मी घबराना मत, आगे ऊपर आगे, तो ऐसी ऐसी आवाज़ मार रही थी, बोली झूठी। तो माती 7 घंटे से बाद आ गए थे, 7 घंटे काफ़ी नहीं थे, 7 घंटे से बाद आगे बोले तो हमें बचा लिया सर, नहीं हमको बचा लिया। उस वक्त एक तरह से काल कोठरी में थे अंदर, बिल्कुल अंधेरे में, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बोले मेरा दम घुट रहा था। फिर लास्ट में बड़ी कोशिश की थी, बोले लास्ट में तो मेरा दम घुट रहा था। तो फ़ोन कैसे लग रहा था? फ़ोन पूरा लग रहा था जी, थोड़ा टाइम से लगा ना, फिर तो बंद हो गया था, फिर बंद हो, लास्ट में तो बंद हो गया था, थोड़े टाइम लगा था ना फ़ोन, बाद में थोड़ी नहीं लगा, बस स्टार्ट में लगा था, बाद में तो बंद हो गया था, बाद में नहीं लगी रहा, हम वापस कर रहे थे तो नहीं लग रहा था, तो हम तो यही सोचा कि ख़त्म हो गया अब नहीं लग रहा था। फिर भी कोशिश की थी ना आने की, तो आज दे रहे थे तो झूठी आवाज़ दे रहे थे, तो अल्लाह पा रखा था ना मम्मी को पापा को जगाने का, सोना मत आप सोना मत, लास्ट तक वो आवाजें लगाती रही, आवाजें लगाती रही, आवाजें तो लगाती रही। सिटी चैनल के लिए कांगड़ा से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।